तो जब विज्ञापन आएगा तो मैं भर दूंगी, उसके बाद देखा जाएगा जो जैसे है हाँ, ना। कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए कि हम भरें या न भरें, हाँ दोनों हाँ हमेशा जो है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो फॉर्म आएगा उस वक्त विज्ञापन देख लीजिएगा, अभी भी कोई फाइनल निर्णय नहीं कि भरना ही है, पहले विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन को देखिए, समझिए टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे रहेगा, उसको समझ करके। वैसे आप प्राइवेट में 10,000 पा ही रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ बहुत खुशी हुई सर आप फोन उठा लिए। वही मैं YouTube पे देख रही थी ना, जो ECC क्या एजुकेटर की जो भर्ती आई है, आ गई है, विज्ञापन आ गया है कि अभी नहीं? अभी शासनादेश जारी हुआ है जियो, अच्छा और इसके बाद विज्ञापन जारी होगा। कब तक आएगा विज्ञापन सर? अब आप जो है कल क्या करने वाली हैं, परसों हाँ क्या करने वाली हैं, क्या हम बता नहीं पाएंगे? नहीं सर, तो जैसे विज्ञापन आएगा तब तो आप YouTube पे शेयर ही करिएगा ना। हाँ बिल्कुल, हम क्या करने वाले हैं कल, हम अभी 1 घंटे बाद क्या करने वाले, आप नहीं बता पाएंगे, आप क्या करने वाले हैं हम नहीं बता पाएंगे, तो नहीं गवर्नमेंट। जैसे विज्ञापन होगा तब तो हाँ आप शेयर ही कीजिएगा। हाँ जब आएगा तो शेयर कर देंगे। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मैं BA हूँ, मतलब गृह विज्ञान से BA है मेरा। अच्छा, फाइनल ईयर तक रहा है, हाँ सर फाइनल ईयर तक रहा है। और और परसेंटेज? परसेंटेज है सर 3 नंबर कम है फर्स्ट डिवीजन में, मैंने चलिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 59.8% है। अच्छा, तो इसमें चलिए मिनिमम मांगा है 50%, तो आपका तो बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मेरा NIH DLED भी है। NIC डीलिट भी है। हाँ सर NIH DLED भी है, लेकिन टेट वगैरह चूंकि अब NIH DLED वाले मतलब कोई वो है नहीं उनका कोई, नहीं, इसीलिए हम टेट का कोई ट्राई भी नहीं किए। कोई फायदा नहीं है। आप जो है नहीं टेट देंगी या सीटेट देंगी तो वो प्राइमरी या जूनियर का है, और प्राइमरी जूनियर में NIC डीलेट कहीं अभी वैलिड है नहीं, हाँ सर अभी वैलिड है नहीं। और इसमें टेट मांगा भी नहीं है। हाँ तो मैं ये आपसे मतलब सलाह लेना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टाइम मैं एक यहीं पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो अच्छा यहीं हाँ हमारे जैसे कमरे के सामने से ही बस जाती है, बस का कोई चार्ज नहीं लगता, ऐसे बच्चों की बस है उसमें टीचर लोग जाते हैं, तो सुबह 7:15 पे बस आती है और मतलब घर पहुंचते हैं, वहां से 2 बजे बस निकलती, 2:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। अच्छा हाँ तो वो बस फ्री है मतलब आने जाने का, और 10,000 रुपये हमको प्राइवेट में मिलता है, और घर पे कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये सलाह लेना चाह रही हूँ कि जैसे जब वैकेंसी आएगी तब तो आप तो शेयर ही कीजिएगा, तो ये बताइए कि इसको छोड़ के जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही, इसको छोड़ के वहां जाना क्या सही होगा कि नहीं होगा? जरा भी सही नहीं होगा। नहीं होगा ना। देखिए, फॉर्म आएगा, फॉर्म जो भी उसमें शुल्क होगा आवेदन करने का वो देख लीजिएगा, अगर मिनिमम शुल्क है 2-4-500 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी कोई कोई फॉर्म आ जाता है 1,000-2,000 रुपए होता है, तो अच्छा। अगर मिनिमम शुल्क है फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बैक कभी भी हुआ जा सकता है, हाँ लेकिन फिर आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं, फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हाँ हाँ तो हाँ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर देंगी, हाँ उसके बाद निर्णय तो कभी भी ले सकती हैं कि जाएं या न जाएं। तो 200-400 रुपये अगर जो भी चार्ज होगा उसका फॉर्म भर दीजिएगा, तो फॉर्म भरेंगी, सारा प्रोसेस वगैरह देख लेंगी, पूरी जानकारी लेते रहिएगा, लास्ट में डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना है। वैसे आपको जो है उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसका कारण क्या है कि आप इसमें जाएंगी तो फिर आप जो है जहाँ पढ़ा रही हैं 10,000 का, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही हैं, वो जो ट्यूशन मिल रहे हैं तो जिस स्कूल में या स्कूल का जो टाइमिंग है जहाँ पढ़ा रही हैं या अन्य स्कूलों का, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी जो है ट्यूशन वगैरह अपना पकड़ते हैं, और आपका फिर यहाँ पर पढ़ा जाने का मतलब है कि ये टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा आपका। और अच्छा ये टाइमिंग कैसी होगी? कॉमन सी बात है कि जो भी आंगनवाड़ी या प्राइमरी स्कूल जो चल रहे हैं उनका टाइमिंग देख लीजिए कहाँ कितना रहता है, 6 से 8 घंटे का ड्यूटी रहता ही है, गवर्नमेंट करवाएगी ही जब इतना दे रही है, तो कितना दे रही है सर सैलरी? इसमें 10,313 रुपए है, 10,000 आप ऑलरेडी पा ही रही हैं, हाँ 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 हाँ
अच्छा, और इसके बाद आपको आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है? गाड़ी आपको लेकर जाती है, छोड़कर जाती हाँ है? सर, जाती है लेके छोड़ के। तो जैसे ये हमको लग रहा 10 से 4 होगी क्या ड्यूटी अब आंगनबाड़ी विज्ञापन आएगा, उसमें भी देखना होगा क्या क्या ये बता रहे हैं। और एक बार जो हमने पीडीएफ शेयर किया है उसको, में? मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ लेकिन अभी टेलीग्राम और इससे नहीं, उसको मुझे सर सही बात है मैं कर नहीं पाती हूँ, कैसे जोड़ा जाता है क्या अरे कैसे। तो व्हाट्सएप चला रही हैं ना? हाँ, व्हाट्सएप पे चला रही क्योंकि मैं व्हाट्सएप से आपसे जी, जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही टेलीग्राम भी है, तो मोबाइल में है कि नहीं आपके टेलीग्राम? नहीं सर, नहीं है मोबाइल में, बिल्कुल मैं सेम फेसबुक सेम व्हाट्सएप की तरह ही है टेलीग्राम, उसको भी डाल लीजिए मोबाइल में, टेलीग्राम और फेसबुक ये दो चीज नहीं चलाती हूँ। दोनों डाल लीजिए। अच्छा और इसको टाइम पास के लिए मत कीजिएगा कोई भी चीज, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। इसको इसलिए डालिएगा कि जो है हमें जो काम की चीजें हैं उनसे जुड़ना है हाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो टेलीग्राम भी डाल लीजिएगा, फेसबुक भी डाल लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा और हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको सारा लिंक दे देंगे। वही सब मैं नहीं कर पाती हूँ सर, बस यही इतना कि यूट्यूब से आप दे दे, मतलब जो यूट्यूब से जुड़ गए हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं वो कर लेती हूँ उसके जैसे। पीछे, रीजन है। देखिए, जो मोबाइल है आपका ये एक छोटा कंप्यूटर है, हाँ सर, वो तो ठीक है, सही है। और आप बैंक जाएंगी वहां भी सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, अब तहसील जाएंगी वहां भी जो काम हो रहा है विभाग में, तहसील में, वो भी सब धीरे धीरे कंप्यूटर पर होने लगा है। कचहरी जाएंगी, अंदर देखेंगी कार्यालय में, सब कंप्यूटर पर काम हो रहा है। पोस्ट ऑफिस जाएंगी, कंप्यूटर पर हो रहा है, यानी हर जगह कंप्यूटर आ चुका है। सर हाँ हाँ सर सर स्कूल में ठीक बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, आपके भी स्कूल में है कि नहीं अभी? है। हाँ सर है, लेकिन उसके लिए दूसरी टीचर है अच्छा, अवेलेबल। तो अब जो है हमेशा आप यही चीज की हमें नहीं नॉलेज है, हमें जानकारी नहीं है, हम ये चीज नहीं करेंगे, इस पर रहना चाहती हैं या समय के साथ हाँ चलना चाहती हैं? तो सर, वो तो सही है। समय के साथ अगर चलना है तो आज ही या 1-2 दिन 4 दिन के अंदर अपने आसपास घर के एकदम करीब में ढूंढिए कंप्यूटर सेंटर, अच्छा वो 300, 400, 500 जो भी लेता हो महीने का, 1 घंटा वहां जाना शुरू कीजिए। ठीक आप है एक सर। घंटा जब वहां रोज जाएंगी, 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठेंगी, तो वो आपको जो है धीरे धीरे एक एक चीज सिखाएगा, बेसिक सारे सीख जाइए, ठीक है, कि ठीक है सर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसमें सारी चीजें फंक्शन हैं क्या क्या। ठीक कंप्यूटर को जिस दिन आप समझने लगेंगी, जब आप जाना शुरू कर ठीक देंगी, 3 महीने 6 महीने 1 साल जाएंगी लगातार, तो पूरा कंप्यूटर को समझ पाएंगी। जैसे आपका घर है, अभी किसी बाहर वाले कोई व्यक्ति हो, उसको कोई चीज कह दिया जाए कि ये चीज घर में रखा है, तुम जाओ निकाल के ले आओ, बाहर वाले व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा ढूंढने में, सर और सही बात है। वही चीज आपको निकालना हो तो कितना टाइम लगेगा। हाँ सर, मुझे मुझे जानकारी है उस चीज की कहाँ क्या हाँ, तो है। ऐसे ही मोबाइल हुआ या कंप्यूटर हुआ या जो कुछ भी, बस उसको समझना है कि कहाँ क्या चीज है, कैसे करना है, बस इतना ही है। जैसे शहर है आपका, उस शहर में आपका जो है मोहल्ला है, उस मोहल्ले में गली है, गली में घर है, घर में कमरे हैं, कमरों के अंदर अलमारी वगैरह रैक वगैरह हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी सब कुछ होता है, बस हमें वहां तक पहुंचना, जानकारी होनी चाहिए कहाँ जाने के लिए कैसे जाना होता है। तो जिस दिन ये समझ में आने लगेगा उस दिन मोबाइल में बहुत कुछ करना सीख जाएंगी। और आने वाला टाइम दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का ही होता जा रहा है, आने वाले टाइम में प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब में वो ही रह पाएगा जिसे टेक्नोलॉजी आती होगी, कंप्यूटर आता होगा। इसलिए कंप्यूटर पहला सीखना शुरू कर दीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि 1 साल तक सीखिएगा, 1 साल जब सीखेंगी तो अच्छे से आ जाएगा। तो एक घंटा रोज ठीक जाएंगी 1 साल तक तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगी। और सीखना क्या है, बेसिक शुरू में सीखना है, उसकी छोटी छोटी चीजें, बेसिक उसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, जब उतना सीख जाएंगी तो थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखनी होंगी। जब आप जाना शुरू कर देंगी तो शुरू में नहीं समझ आएगा क्या सीखना है क्या नहीं, लेकिन जब आप 2-4 महीने जाएंगी तो फिर समझ में आने लगेगा और क्या क्या चीजें होती हैं, तो फिर आगे और कुछ सीखना है वो सब समझ में आ जाएगा। कोर्स भी होते हैं बहुत तरह के, तो आपको सर एक CCC का कोर्स है या अन्य कोर्स है, समझ में आएगा तो पूरा कोर्स का पढ़ाई कर लीजिएगा, अगर समझ में आएगा सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, तो वो काम आएगा आगे। ठीक है सर, तो जब विज्ञापन आएगा तो मैं भर दूंगी, उसके बाद देखा जाएगा जो हाँ जैसे है हाँ ना। कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए कि हम भरें या न भरें, हाँ हमेशा जो है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीजों को समझने के लिए,
ठीक है, तो फॉर्म आएगा उस वक्त विज्ञापन देख लीजिएगा, अभी भी कोई फाइनल निर्णय नहीं कि भरना ही है, पहले विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन को देखिए समझिए टाइमिंग क्या रहेगी कैसे रहेगा उसको समझ करके, वैसे आप प्राइवेट में 10,000 पा ही रही हैं। हाँ, टाइमिंग उसमें लिखा रहेगा ना सर? अब इसको एक बार पढ़िएगा, इसमें क्या क्या लिखा, हम पूरा एक एक लाइन तो नहीं पढ़े हैं अभी, नहीं, जैसे विज्ञापन जब आएगा तो उसमें टाइमिंग लिखी रहेगी। कार्य तो इसमें सब कुछ बताए गए हैं क्या क्या करना है। अब आंगनबाड़ी इस समय कितने से कितने बजे तक चल रहा है उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए, वैसे मान करके चलिए कि आंगनबाड़ी अब जुड़ गया है, प्राइमरी या जूनियर जो विद्यालय है कैंपस जो है उनसे जुड़ गया है, तो जो विद्यालय का टाइम है उतना टाइम तो वहां आपको देना पड़ेगा, वो हाँ, वही सरकारी। 10 से 3 है, क्योंकि मेरे बगल एक प्राइमरी की टीचर है, 3 उन बजे तक आती है। जैसे ठंडी टाइम चेंज हो जाता है ना, ठंडी हाँ, चेंज होता गर्मी, रहता है। हाँ, तो जैसे 3 बजे तक है, 3 3 3:30 तक ऐसे कुछ है। अच्छा वैसे तो, मैं कोचिंग 3:30 बजे से ही पढ़ाती हूँ। अच्छा तो हाँ, नहीं, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि जिले में आपके निकला है, आपने आवेदन किया, आपके घर के से कम दूरी पर मिल रहा है या ज्यादा दूरी पर मिल रहा है, उस पर भी तो डिपेंड राइट करता सर। हाँ, ये सर आप सही कहे। है। हाँ, अगर घर से कम दूरी पर मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मिला, खुद से जाना आना है, तब तो दिक्कत है ना। इसमें तो ट्रांसफर भी नहीं होगा, किसका उसका उसमें कर दिया जाए। नहीं, ये तो संविदा का ट्रांसफर वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा इसमें, तो विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन जब आ जाएगा तो देखिएगा डिटेल सब पढ़िएगा, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा, जहाँ समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा फिर एक बार बात कर लीजिएगा, उस समय जो कुछ रहेगा उस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन राय यही आपकी है कि हम भर दें उसको? हाँ, फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है, फॉर्म भरना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने से जो है बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगी तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा आपका जगेगा, जब इंटरेस्ट जगेगा तो उससे संबंधित जो कुछ भी हो रहा होगा एक एक चीज पर आपकी नजर रहेगी, हाँ सर, तो हर चीज जानेंगी ये आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन जानकारी वो ज्यादा होना चाहिए, तो कोई भी काम जिस फील्ड में आप हैं तो उससे हमेशा कोशिश कीजिए टच में रहें, ताकि हमें अधिक से अधिक चीजों की जानकारी होती रहे। मैं सच मतलब ऐसे तो नहीं, समय नहीं मिल पाता, लेकिन बस आपके टच में रहती हूँ, आपका यूट्यूब सुनती रहती हूँ। अच्छा बस यही आपसे जो है थोड़ा मतलब वो है कि आपका सुनती रहती हूँ, मुझे जो जानकारी होती रहती है। जैसे आपने कहा था NSDL वाले, इनको जो है प्री प्राइमरी मौका दिया जाएगा, वो वैकेंसी ही नहीं आ रही है। खैर, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो प्री प्राइमरी तो अभी नया नया शुरू हुआ है, और प्री प्राइमरी में ये पहली भर्ती आई है अभी अभी नहीं, तक। जैसे ये तो मानदेय पे आई है, आपने कहा था ना, जैसे तो सुन तो लीजिए परमानेंट। पूरा, सुन तो लीजिए पूरा। देखिए, भर्ती हमेशा दो तरह की आती है और आती रहेगी, परमानेंट भी और संविदा भी। जो पुराने संविदा योजनाएं चल रही हैं, जैसे शिक्षा में तो योजना 25 साल लगभग हो गए, तो जो पुराने ये जो योजनाएं इस तरह से चल रही हैं इनको गवर्नमेंट बंद करने की तैयारी में धीरे धीरे कर रही है, जैसे बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो उनको जो है एग्जाम वगैरह करा करके धीरे धीरे परमानेंट कर रही है, जो होंगे जो नहीं होंगे फिर आगे उनका जो भी विकल्प होगा वो देख करके करके वो योजना बंद हो जाएगी। संविदा योजनाएं बंद हो रही हैं पुरानी वाली, नई नई संविदा की योजनाएं आती रहेंगी, संविदा और परमानेंट दोनों हमेशा चलता रहेगा, और जब भी कुछ नया होता है तो डायरेक्ट परमानेंट भर्तियां ही नहीं हो जाती हैं, अच्छा। जैसे अटल आवासीय योजना शुरू हुआ, यूपी के अंदर 18 मंडल हैं, 18वें मंडल में एक एक अटल आवासीय बना दिए गए, उनमें भी आप देखेंगी लगभग 2 साल हो गया, 2 साल से अटल आवासीय में संविदा पर ही सारे शिक्षक रखे जा रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ नया शुरू होता है तो उसका पूरा सिस्टम डेवलप करना होता है, जो भी भर्तियां निकालनी हैं, जो भी पद तैयार करने हैं, तो उसके लिए नियम बनाने होते हैं, ताकि फिर आगे पूरी प्रक्रिया उसी के अनुसार चले, तो शुरुआत में संविदा पर ही इसीलिए हर काम किया जाता है, ताकि जो है उनको समय मिल जाए, व्यवस्था एक बार देख लें संविदा वगैरह पर रख करके कैसे हो, क्या चीज की जरूरत हो रही है, तो शुरुआत तो संविदा से ही होती है। जैसे यूपी पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलेगा, फिर 3 किलोमीटर पर, तो उनमें जो तेजी से भर्ती शुरू हुई पहले संविदा पर शुरू हुई, शिक्षा मित्र, ठीक है, उसके बाद जो है तेजी से और भर्तियां होने लगी, तो शुरुआत संविदा से ही होती है। तो ये प्री प्राइमरी अभी शुरू हुआ है, तो अभी इसमें शुरुआत संविदा से जो है कर रहे हैं, और ये टीचिंग का पद नहीं है, इसको आप देखिए ये एक तरह से कोऑर्डिनेटर का पद है, इसका नाम भी रखा गया है ECC एजुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर है,
इसको ऐसा ना करें कि जो है घर घर जाके सब बांटें, ये करें, जैसे फील्ड वर्क ना करवाएं इसमें। आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे होते हैं, मुख्य रूप से उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह के विकास पे ध्यान नहीं, देना है, और खास तौर आंगनवाड़ी पे, सुन तो लीजिए, खास तौर पे वाली। शारीरिक विकास पर फोकस पहले रहता है छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें गृह विज्ञान क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि गृह विज्ञान वाले साइंस थोड़ा जानते हैं, पढ़े रहते हैं, पोषण का पूरा चैप्टर रहता है गृह विज्ञान में, पोषण के बारे में, तो बच्चे के पोषण पर विशेष तौर पर ख्याल रखना है। तो आंगनबाड़ी में तो वहां पर तो काम करना होता है, लेकिन आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री वगैरह है उनको जो है आपको एक तरह से ट्रेन करना है, उनको जो है मैनेज करना है। और जब आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्त्री वगैरह है उनसे संपर्क कीजिएगा, तो कभी कभी पूछिएगा उनसे, तो कहेंगे कि हम लोग घर भी कोई काम से, कोई योजना रहता है, घर जाके कोई चीज देना है या जो भी हाँ, जैसा स्कीम आता ये है करना पड़ता है। जो पोलियो वोलियो का ड्रॉप पिलाती हैं तो घर घर तो आके पिलाती हैं, हाँ, तो जो भी ड्यूटी दी जाएगी वो भी तो करना ही पड़ेगा ना उसमें। तो भी हम लोगों को भी करना पड़ेगा। अब अगर ड्यूटी लगा दी जाएगी तो करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत कठिन ड्यूटी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब होता है, या प्राइवेट नौकरी का, जैसे आप जाती हैं स्कूल में जहाँ भी पढ़ा नहीं रही हैं, वो आपको, सुन तो, सर, वहाँ आपको 10,000 दे रहे हैं, ठीक, इस वहाँ आपका 6 घंटे 8 घंटे का समय वहाँ आपको देना है। जिस दिन वहाँ पर वो कह देंगे कि जो है 15 अगस्त की तैयारी कराना है आपको, ये जो है 4 बच्चे हैं इनको भाषण तैयार कराना, आप कराते हैं कि नहीं कराते हैं? हाँ, लेकिन कराते हैं, लेकिन उसी समय में, बस हाँ, उसी समय की बात है। वो अगर कह कराएं। देंगे कि ये वाले इस ग्रुप के बच्चों को आपको डांस सिखाना है, तो कराना पड़ता है। कह देंगे कि ये जो है रजिस्टर तैयार करना है, करते हैं ना। हाँ, वो तो तो सही है। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे चीजें हैं। तो आप देखते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको चुनाव में ड्यूटी भी लगा देते हैं, पोलियो का उन्हीं के थ्रू होता है, तो वो तो सरकारी में जब रहेंगे वहां जो दिया जाएगा तो वो तो करना पड़ेगा। हाँ, तो सरकारी तो दूसरी बात है, सैलरी भी अच्छी मिलती है सरकारी के, अरे 10,000 तो आप जब जा में। रही हैं, चाहे संविदा पर जाइए चाहे परमानेंट जाइए, सरकारी ही तो है। अब बात वो सरकारी की हम कर रहे हैं, हम परमानेंट तो या संविदा की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे संविदा वाले हों चाहे परमानेंट हों, आप वहां जा लेकिन रही हैं, 10,000 मिल रहा है आपको, जो समय दिया जा रहा है 6 से 8 घंटा आप दे रही हैं अपना, उसमें जो काम कहा जाए करेंगी। और सरकारी में क्या होता है कि आपको उस समय के अलावा भी अगर कुछ काम दिया गया वो भी करना पड़ जाता है अलग से समय में। अभी धीरे धीरे वहां पर इस तरह का व्यवस्था बनाया जा रहा है ताकि जो है 6 से 8 घंटे का ही ड्यूटी कराया जाए, अन्य जो है समय में काम आपसे न लिया जाए, किसी से भी न लिया जाए। लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो ये मान करके चलना होगा कि वहां जाने पर आपको जो भी काम दिया जाएगा, हो सकता है पूरे साल इस तरह का कोई काम न मिले, तो अगर मिल जाता है कोई काम तो करना तो पड़ेगा। यही इतना हम आपसे सलाह लेना चाह रहे थे कि यहाँ का छोड़ हाँ, दें, वहां भी मन ना समझ में आए तो फिर दोनों तरफ देखो से देखो, हो जाएगा। अरे प्राइवेट में पढ़ाने का लाभ ये है। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? सर, कई साल हो गए, 7-8 साल हो 7-8 साल हो गया। कितनी दूर है गए। स्कूल? अरे सर, स्कूल तो दूर है, लेकिन बस से मतलब आते जाते हैं, तब तो भी कोई लगभग कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना समय लगता है? घंटा आधा घंटा लगता है। जाने में। इससे पहले किसी और भी स्कूल में पढ़ाई है आसपास घर के? सर पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ चूंकि सैलरी अच्छी थी, केरला के लोग हैं, केरला के स्कूल, तो यहाँ सैलरी अच्छी थी, इसलिए तो हम जो बच्चे आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वो आपके स्कूल के नहीं, हैं या अदर अदर स्कूल अदर के स्कूल के? तो अदर। आप जब किसी और स्कूल पढ़ाती रही होंगी, धीरे धीरे आपको लोग जान गए, टीचर हाँ, कॉलोनी के भी हैं, लोग गए फिर। तो हाँ, ये जो ट्यूशन वगैरह मिल रहे हैं उसी रीजन से मिल रहे हैं ना, कि आपको लोग जान गए हैं कि आप जो है पढ़ाती मतलब हैं? हाँ, जो हम स्कूल पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ये जो बच्चे आते हैं पढ़ने, मेरे पास आएंगे पढ़ने, ये बात है। अच्छा, चलिए। तो प्राइवेट में पढ़ाने से एक तो ये कि प्राइवेट में नई नई चीजें वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, समय के साथ चल रहे हैं, वहाँ इंग्लिश बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं, तो आपका भी ग्रोथ हो रहा है। तो हर जगह का अलग अलग एडवांटेज होता है। सरकारी में जाएंगी, अगर 1 साल भी आप वहाँ काम कर लेंगी तो सरकारी सिस्टम को जान जाएंगी, सरकारी विद्यालय में पढ़ा करके, आंगनबाड़ी में काम करके वहाँ क्या होता है कैसे होता है, आप उसको 1 साल पूरा करीब से देखेंगी ना, उसमें काम करेंगी उसको भी जान लेंगे, वो एक अलग अनुभव होगा। और लाइफ में अनुभव ही सबसे मुख्य है। अगर कोई जो है महीने में 10 रुपए कमा रहा है, कोई अगर 100 रुपए कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई महीने में 10,000 कमा रहा है, कोई जो है 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़ भी कमा रहा है, सब में जो फर्क है
पढ़ाई की वजह से नहीं है, सब में जो फर्क है, सबसे मुख्य है अनुभव। एक ही पद पर दो लोग होंगे, उनका जो है कमाई महीने का अलग अलग होगा। एक ही बाजार में दो व्यापारी होंगे, लेकिन किसी का चल रहा होगा, किसी का नहीं चल रहा होगा। एक एक ही फील्ड में दो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, लेकिन दोनों की कमाई में फर्क होगा, बिजनेस में फर्क होगा। तो एक अनुभव इम्पॉर्टेंट है, जितना ज्यादा अनुभव उतना ज्यादा जो है आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आप जो है हर फील्ड में बेहतर करते जाएंगे अपने फील्ड में खास तौर पे। तो पैसा उसी से बनता है, अनुभव से। तो अगर आपको जो है फॉर्म भर दीजिएगा, आसपास मिल रहा होगा, तो एक अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए प्राइवेट तो कभी भी मिल जाएगा फिर जॉब। हाँ हाँ सर, वो मिल जाएगा, लेकिन फिर स्कूल में जैसे हाँ फॉर्म भरने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि फॉर्म भर देंगी, अगर आसपास कहीं मिल रहा होगा, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, तो एक बार करके ये भी एक्सपीरियंस ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अनुभव होगा। इसका कोई एडवांटेज तो मिलेगा नहीं, ये है कि हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं परमानेंट वाली, तो उसमें जो तरह तरह के वेटेज दिए जाते हैं, छूट दिए जाते हैं जो भी, अच्छा, तो उसमें जो है आपको लाभ मिल सकता है। कंफर्म नहीं कि मिलेगा ही, लेकिन मिल सकता है, कहीं पर भी इस चीज का अनुभव का लाभ मिल जाएगा आपको सरकारी भर्ती। जैसे NIDL आप की है, ठीक है, हाँ हाँ सर, हम बताते ही रहते हैं कि NIDL को प्री प्राइमरी मौका मिलेगा। अब एक NIDL वाला जो कि कभी पढ़ाया नहीं है सरकारी में, कहीं संविदा वगैरह पर कभी काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और एक आप जो है NIDL आप भी हैं, वो भी है, लेकिन आपने जो है मान लीजिए एक साल का ये किया हुआ है, और वहां पर मान लेते हैं दो पद है, अरे एक पद है, और आप दो लोग फॉर्म भरे हैं, तो वहां पर सिलेक्ट करना होगा, किसको सिलेक्ट करेंगे पहले? आप ही को करेंगे, क्यों? क्योंकि आप सेम क्वालिफिकेशन दोनों के पास है, लेकिन दो में से लेना किसी एक को है, तो ये देखेंगे ना कि नहीं, ये तो जो है एक साल से सरकारी विभाग में काम कर चुकी हैं, आंगनबाड़ी में ही काम कर चुकी हैं, बाल वाटिका में, तो ये रहेंगी, तो इनके पास एक साल का अनुभव भी है, ये बढ़िया इनको लेना सही रहेगा। अच्छा अच्छा और फॉर्म भरते समय भी आ जाता है कि अगर आपने जो है यहाँ पढ़ाया है, सरकारी में पढ़ाया है, या आपके पास एक साल का अनुभव है, दो साल का अनुभव, इतना वेटेज मिलेगा, तो पता चला कि जो है मेरिट बना रहे हैं, मेरिट बना आपका आ गया, मान लीजिए गुणांक आ रहा है 60, और कोई और भी है वो भी फॉर्म भरा है, उसका भी 60 है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ा चुकी हैं, इसमें काम कर चुकी हैं, एक साल का 5 नंबर वेटेज मिल रहा है, तो 60 आपका भी है, 60 अगले बंदे का भी है, लेकिन आपको वेटेज मिल गया 5, अब आप हो गए 65, तो सिलेक्शन किसका होगा? ज्यादा नंबर वाले का। तो सर इसके मतलब इसके जैसे आप कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए भविष्य में कभी प्री प्राइमरी में NIDL वालों को रखा जाएगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा इसका। अच्छा अच्छा हाँ, हमेशा देखिए जब भी हम बात करते हैं, हम एक पहलू पर नहीं बात करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं अरे आप तो कल ये कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम एक पहलू पर सोचने के लिए कहते नहीं, हम कहते हैं हर पहलू पर सोचने के लिए, ताकि हम जब हर पहलू पर सोचे रहेंगे तो मेरे लिए बेहतर क्या, कोई विकल्प खराब नहीं होता है, लेकिन हमारे सामने जितने विकल्प हैं उनमें बेहतर से बेहतर जो हो हम उस तरफ बढ़ सकें, इसके लिए हर चीज को समझना जरूरी है। तो हमने आपको प्राइवेट का भी शुरू में कहा कि नहीं मत जाइएगा, प्राइवेट में रहिएगा, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एडवांटेज भी हैं, तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। तो जैसे मतलब 10 यहाँ भी मिल रहा, 10 वहाँ भी मिल रहा, अगर नजदीक मिल जाए हाँ, तो कोचिंग तुम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे ही टाइम आप, और चेंज कर देंगे। हाँ, इतने साल आप प्राइवेट में पढ़ाने का अनुभव लें, एक साल गवर्नमेंट के साथ काम करके जो है उसका भी अनुभव लीजिए। हाँ, ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा वर्क लोड पड़ेगा तो मान लीजिए छोड़ सकते हो। 11 महीने का है ना, 11 महीने, एक साल का है, अगले साल फिर प्राइवेट में आप चले जाइएगा, छोड़ करके, छोड़ने के लिए कभी भी आपको मौका है। लेकिन 11 महीने के बाद शिक्षा मित्र वालों को फिर मतलब रिन्यूअल हो जाता था, तो वैसे इसमें भी तो होगा फिर। अब आगे रिन्यूअल होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आपके सामने तो ऑप्शन खुले हुए हैं ना, प्राइवेट आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी पढ़ा चुकी हैं। देखिए मुझे एक्सपीरियंस का वो मतलब लाभ मिल जाएगा कभी भी NIDL वालों को। अच्छा, प्राइवेट में आप यहाँ काम करके एक साल, इसके बाद आप अगर प्राइवेट में भी जाएंगी तो जहाँ कहीं आवेदन करेंगी, जहाँ कहीं अपना बायोडाटा CV वगैरह स्कूल में दिखाएंगी, तो उसमें आप अपना अब तक का जहाँ भी प्राइवेट में पढ़ाई वो भी दिखाएंगी, आप यहाँ बाल वाटिका का भी दिखाएंगी, तो ये भी इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब हर
तरफ अगर पॉजिटिव सोचेंगी तो लाभ हर तरफ है। बस ये है कि हम हमारी परिस्थिति कैसी है और हम किन चीजों में कितना कहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके डिसीजन अंत में लेना होता है। तो ये डिसीजन अंत के लिए छोड़िए कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जो सामने आ रहा है वो प्रोसेस करते चलिए। फाइनल अच्छा निर्णय एकदम लास्ट में लीजिएगा कि जाना है नहीं जाना है, सारी चीजों को देख करके। हाँ, जाने के फायदे मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। अब पेमेंट भी अच्छा है, जितना आप पा रही हैं उतना ही वहां भी मिल जाएगा, तो पेमेंट का तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ना, तो दिक्कत नहीं। 10,000 मान लीजिए पाए कहीं दूर है, 5,000 किराए में खर्चा हो हाँ, तो जाए। हाँ यही तो हम कहेंगे हर चीज देख करके। तो चलिए, एक बार जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं? यूट्यूब वाला है सर? हाँ, व्हाट्सएप में है। अब व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। नहीं सेव किए हैं वो वाला जो आप कह रहे हैं व्हाट्सएप? खाली टेलीग्राम और उसका नहीं है फेसबुक? अच्छा, एक बार आप जो है फोन जब रखिएगा उसके बाद, हमारा हाँ नंबर है ये जिस पर कॉल की हैं, इसी पर हमें अपना नाम लिख करके एक बार मैसेज कीजिएगा, अच्छा, तो हम आपको सारे लिंक दे देंगे। अगर आप ग्रुप में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मतलब जो भी PDF आता है या अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो इस पे वो, हम फोन रखने के बाद इस पे क्या कर, मतलब आप पे वो कर दूंगी। हाँ नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद, सेव है तो नंबर सेव है, हमारा व्हाट्सएप खोलिएगा, खोल करके अपने बारे में अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, हमें ग्रुप का लिंक दे दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग मंडल का, अलग अलग जिले का भी बना है, तो वो सारा हम दे देंगे आपको, जो समझ में आए उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, सब एक जैसे ही हम हैं। लोगों का जिला जो है अंबेडकर नगर है। हाँ, तो सारे बने हुए हैं, 18 जो हम आपको लिंक देंगे उसमें 18 मंडल हैं। आप अपने मंडल में जब जाएंगी तो वहां पर आपको अपने जिले का भी मिल जाएगा। हाँ, और टेलीग्राम पर भी ऐसे ही बना हुआ है, तो टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, टेलीग्राम भी मोबाइल में डाल लीजिएगा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि बिजी हैं, कोई चीज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, कभी कोई चीज़ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, कभी दोनों पर कर देते हैं। तो जब हर जगह जुड़ी रहेंगी तो जहां भी जो चीज़ शेयर किया जा रहा होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो मैं मैसेज डाल के आप वाले पे सेंड कर दूं, जैसे नंबर वाले पे ना, ऐसे ही तो जैसे करना सबको व्हाट्सएप पे हाय हेलो बातचीत करती हैं ना, बस है? हाँ, वैसे ही हमें जो है अपना नाम लिख करके ग्रुप का लिंक दे दीजिए, इतना लिख कर दे दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। चलिए सर, ठीक ठीक है, है ठीक है। इसी नंबर को व्हाट्सएप से जोड़ देंगे तब हाँ तो, इसी नंबर को हाँ और आपको हम PDF ना। फाइल दे देंगे इसका, जो अभी ये विज्ञापन आया, भर्ती आ रही है, शासन आदेश दे ठीक देंगे, वो पूरा एक बार है। पढ़िएगा उसमें क्या। जैसे अब हम कर पाए कि नहीं कर पाए, जैसे हम करेंगे तो फिर मैं आपको कॉल करेंगे कि जैसे जुड़ा कि नहीं जुड़ा मेरा, है ना? अभी जो है व्हाट्सएप खोल सकते हैं कान में, क्या फोन से नहीं डायरेक्ट बात कर रही हैं या ईयरफोन वगैरह लगाई हैं? नहीं कुछ नहीं, एयरवर फोन नहीं लगा है। स्पीकर ऑन कीजिए, हाँ, स्पीकर ऑन कर दिए हैं सर। स्पीकर ऑन करके व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खोले हैं में हमारा व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप में आपका? नीचे देखिए प्लस बना होगा यहाँ पर, टूल्स के ऊपर, नहीं टूल्स नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, कॉल्स के जहाँ नीचे है ना कॉल्स, हाँ, उसके कॉल ऊपर पे। देखिए ग्रीन कलर में प्लस बना होगा। हाँ, बना है, इसको क्लिक करें। हाँ क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए लेंस बना होगा, क्लिक तो कर दी ऊपर, क्या? हाँ, लेस बना। हाँ, तो इसको क्लिक करें। हाँ उस पर टच कीजिए। अब हाँ, तब हो मेरा गया। नंबर आपने सेव किया किस नाम से, वो नाम लिखिए। हाँ टीपीए तो लिखिए TPA। हाँ, कर दिए। तो मेरा आ गया होगा व्हाट्सएप, देखिए नीचे तो हाँ, आ गया है। हाँ, टच कीजिए। व्हाट्सएप को टच करें। हाँ तो अब मेरा व्हाट्सएप खुला है, हाय हेलो कुछ लिखकर भेजिए हमें। अच्छा, रुकिए। कुछ भी लिख दीजिए, हाय हेलो कुछ भी। रुकिए रुकिए, पहले ये तो कहाँ चला गया? क्या हो गया?
अरे इसमें नहीं शो कर रहा, ऐसे क्लिक किए तो हो गया। एक मिनट, आपका नंबर हम इधर से कर देते हैं, आपका नंबर 8 6। आपका ये जो जिससे कॉल किए इससे व्हाट्सएप नहीं है क्या? नहीं होगा क्योंकि हम दूसरा और नंबर नहीं रखते, ही होगा। हाँ मिल गया, नेट स्लो है थोड़ा। देखिए आपको मैसेज गया होगा, हाँ सर आ गया मैसेज। हम हाँ आपको ग्रुप का सारा लिंक दे दे रहे हैं। आप जो है टेलीग्राम का भी लिंक दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैनल है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहे हैं, चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे और टेलीग्राम तो अभी हमें बनाना पड़ेगा तब वो, अच्छा, देखिए हाँ हाँ क्योंकि सबसे मेरे में पहले, नहीं है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहे हैं। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप चैनल का इसी को क्लिक कर दें। इस लिंक को टच कीजिए, तो हाँ कर दिए। अच्छा लिंक को टच करते मेरा चैनल खुल गया होगा, टीपीए। लिंक हम टच कर दिए हैं। हाँ हाँ खुल गया है। ऊपर देखिए लिखा होगा फॉलो। हाँ फॉलो योर इंटरेस्ट ऑन व्हाट्सएप चैनल्स, हाँ एड तो फॉलो कीजिए। एंड कंटिन्यू पे हाँ किस पे करें क्लिक? एग्री एंड कंटिन्यू पर हाँ कि? हाँ 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 कर दिए। क्या आया अब? और तो कुछ नहीं आया, बस यही लिखा है टेट पास ऑल व्हाट्सएप चैनल, चैनल का मतलब वो दिया है, नंबर वंबर यही सब आया है। तो क्या ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, फॉलो करने के लिए आ रहा है, या चैनल खुल गया, आंगनवाड़ी भर्ती वगैरह वहां पर डाला हुआ है वो सब दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आंगनबाड़ी भर्ती दिख रहा है, हाँ तो वो सबसे ऊपर देखिए दाहिने तरफ, फॉलो वहाँ जहां लिखा है फॉलो जहाँ लिखा है फॉलो को टच टच कर। कीजिए। हाँ कर दिए। कर दें, बगल में घंटी बना हुआ है, हाँ हाँ इसको क्लिक कर दें। हाँ उसको भी टच कर दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। क्लिक कर दिए सर। हाँ तो ये हो गया व्हाट्सएप का चैनल, ठीक है, इस थैंक यू पर अभी हम सर। डालते रहते हैं। इसके अलावा जो है अब आपको लिंक दे दे रहे हैं टेलीग्राम ऐसे का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ऐसे भी कोई बता देता तो समझ में आ जाता, नहीं तो फिर करते करते आ जाएगा, अपने। जब करेंगी ना तो आ जाएगा। ठीक है सर, तब जो है आप कह एक रहे मिनट आपको जो है देखिए वो ग्रुप के लिंक दे रहे हैं आप सारे, हैं। अच्छा तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम का भी लिंक दे दे रहे हैं। टेलीग्राम भी लिंक जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक सर। अभी देखिए आपको ग्रुप के लिंक दिए हैं, अच्छा उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिखा होगा, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, लखनऊ। तो हमारा आपका मंडल कौन सा है? सर ये है अंबेडकर नगर, तो लखनऊ वाले में देखिए नीचे लिखा होगा रीड मोर, लखनऊ वाले में रीड मोर। उसको हाँ टच कीजिए तो और खुलेगा। अच्छा ठीक। खुल गया। हाँ। तो आपका मंडल कौन सा बताई है? अंबेडकर नगर है सर, अंबेडकर नगर, नीचे खुद ढूंढिए। यहाँ सहारनपुर है, वाराणसी, इलाहाबाद है, मेरठ है, अंबेडकर नगर मुरादाबाद, किस में आता है आपका जो है? अयोध्या मंडल में आएगा क्या? हाँ एक मिनट हमें, हाँ अयोध्या में, अयोध्या हाँ में है। हाँ हाँ तो हाँ 10वें नंबर पर है, तो अयोध्या मंडल वाला जो है लिंक टच कीजिए, 10वें नंबर वाला। हाँ सर टच किए, फिर टेलीग्राम ग्रुप इसमें लिख रहा है रीड मोर टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम अयोध्या वाला नहीं खोलना है, आप मंडल टच तो किए, अयोध्या मंडल में लिखा होगा नीचे। ज्वाइन हाँ ग्रुप। हाँ ज्वाइन ग्रुप कीजिए। हाँ व्यू ग्रुप फिर लिखा। हाँ हाँ वो, टेलीग्राम ग्रुप रीड मोर कर देना। हाँ तो आप ज्वाइन हो गई हैं, देखिए अच्छा ऊपर लिखा होगा अयोध्या, हाँ हाँ ऊपर लिखा है हाँ अयोध्या। जहाँ अयोध्या लिखा है अयोध्या को टच कीजिए। ओके ये तो पता नहीं किसका फोन आ रहा है। हाँ जहाँ अयोध्या लिखा है अयोध्या को टच करें, तो अयोध्या को टच करके थोड़ा सा नीचे आइए। जहाँ को टच किया। हाँ थोड़ा सा नीचे आए। तो यहाँ पर जो है लिखा होगा कम्युनिटी 6 ग्रुप्स, यहाँ टीपीए का फोटो लगा है नीचे रेड कलर, ब्लैक और रेड, हाँ टीपी। हाँ वहाँ उसके लिखा बाद होगा कम्युनिटी 6 ग्रुप्स, 609 लिखा है एक जगह, उसे क्या? यहाँ पर देखिए लिखा होगा वॉइस चैट ऐड सर्च है ऊपर। नहीं सर तो कुछ नहीं दिखा रहा है। जो आप अयोध्या नाम को टच की हैं तो वो जो फोटो बना हुआ था और अयोध्या लिखा था वो बड़ा हो गया होगा,
घर में हो गया है वो? योर ज्वाइंड अ ग्रुप इनवाइट इन द कम्युनिटी। हाँ तो ये आप अभी कम्युनिटी के अंदर हैं, सबसे ऊपर जहाँ पर 10 TPA अयोध्या सबसे ऊपर लिखा है उसको टच कीजिए। हाँ, टैप कर दी, बड़ा सा आ गया, बड़ा सा आ गया। अब यहाँ पर लिखा होगा देखिए 611 मेंबर्स, हाँ, उसके नीचे है वॉइस चैट एड सर्च, हाँ सर्च, हाँ उसके नीचे ब्लैक कलर का फोटो पर टीपीए लिखा होगा, हाँ, वहीं पर देखिए लिखा है कम्युनिटी 6 ग्रुप्स, हाँ, कम्युनिटी, उसको टच कर दीजिए। हाँ कर दिए। अब देखिए ढेर सारा आ गया होगा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, हाँ बहुत, अंबेडकर नगर में चले जाइए अच्छा ठीक है ठीक है, और सेम जा करके उसको भी जो है ऐसे ही ज्वाइन रीड, कर लीजिए। हाँ तो इसमें रीड मोर वाले में टच कर देना, टीपीए वाले में गए, अंबेडकर नगर वाले में गए, अंबेडकर नगर को टच कीजिए। हाँ टच तो किए, अब ज्वाइन ग्रुप कर दें क्या? हाँ ज्वाइन कर लीजिए, अंबेडकर नगर में पहुंच गए हैं आप। ज्वाइन हाँ हो गए, ज्वाइन आ गया इधर। हाँ हो गया, कंप्यूटर सीखिए ये सब आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेनी मेनी थैंक्स। वेलकम। तो जब सीखेंगे कंप्यूटर तो है तो सब कुछ सामने ही, लेकिन बस यह है कि प्रोसेस नहीं पता है, कभी की नहीं है इसलिए नहीं कर पा रही हैं, बताया गया तो सब कर ले गई। हाँ सर, इतना दूर से आप बताए तो मैं कर ली, हाँ तो सामने दिख रहा है ना हर चीज कंप्यूटर में, अच्छी बात हाँ यही है, सब हमें दिख रहा होता है, बस हमें ये जानना होता है कि हमें जाना किस तरफ है, किसको टच करना है, कहाँ क्लिक करना है, हाँ कहाँ क्लिक करना, यही सीखना है कंप्यूटर में जाकर के। ठीक है सर, तब जैसे आप जब आएगा तो आप बताइएगा ही, तो मैं फॉर्म भर दूंगी, नजदीक कहीं मिलेगा तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी तो ले लूंगी, जहाँ मतलब आप से सलाह होगी उसके बाद हमेशा अगर, हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोई चीज बिना किए पछताना और कोई चीज करके पछताना, इन दोनों में बेहतर विकल्प है हाँ करके पछताना, सही, कम से कम ये अच्छा दिल को तसल्ली रहेगी हाँ हमने किया था। था, अच्छा सर एक बात बताइए, क्या प्री प्राइमरी में एन एस डी एल एड वालों को जैसे 1-2 साल में मौका मिलेगा, 1-2 साल में, 25 तक कुछ बच्चे परमानेंट वाले भर्ती में नहीं आएगा ना? परमानेंट अभी ये सिर्फ एजुकेटर भर्ती आई है, टीचर की भर्ती अभी नहीं आई है, टीचर की भर्ती आएगी, वो भर्ती करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चयन था, वो इंटरव्यू होना था, इंटरव्यू हो गया, अब उसका इंटरव्यू का जो है रिजल्ट आना है। ठीक है, न्यूज आया था, हमने शेयर किया था कि जो है करीब 50 से 60 लोगों ने फॉर्म भरा था अध्यक्ष पद के लिए, और उसका इंटरव्यू होना था 25 अगस्त को, 60 आवेदन आए थे, तो वो भी हमने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो अध्यक्ष जब चुन लिए गए होंगे, हो गया होगा इंटरव्यू, अब उस आयोग को अध्यक्ष मिल जाएंगे, तो यही आयोग नई नई भर्तियां करेगा। तो ये करेंगे ना प्री प्राइमरी की भर्ती? हाँ तो यही कैलेंडर जारी करेगा कि प्राइमरी में कितनी भर्ती आनी है, जूनियर में कितनी आनी है, हर साल भर्ती निकालेगा। क्योंकि हम लोग को तो टेट अभी कोई मतलब नहीं है, तो जैसे नहीं प्री प्राइमरी में करेंगे तो मान लीजिए वहां रहेंगे तो इसमें भी डाल सकते हैं ना? हाँ तो अभी प्री प्राइमरी में टेट वेट लागू हुआ नहीं है, इसलिए टेट नहीं रहेगा, तो आप गवर्नमेंट जॉब में आना ही चाह रही हैं और प्री NSDL की हैं प्री प्राइमरी में ही, तो ये जो है फॉर्म भर दीजिए, आपको मौका मिलता है तो 1 साल के लिए कोशिश कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं, पास में मिल जाता है तो आप पहले से अच्छा इसमें जुड़ी रहेंगी, तो एक एक खबर इसकी मिलती रहेगी, भर्ती भी आएगी तो भी जो है हर चीज़ पहले से आप जानती रहेंगी, उसका एडवांटेज भी मिलेगा आप यहाँ रहेंगी तो। अच्छा अब ऐसे भर्ती सर हम पूरा मतलब 100% आप ही के ऊपर पैरासाइट हैं, समझिए, समय थोड़ा भी मिलता है जैसे काम भी बहुत रहता है, तो मैं आपका जैसे खोल के देख लेती हूँ, चाहे सोने के वक्त ही, कि देखें कुछ आया होगा सर तो उसमें दिए होंगे, मोबाइल में आया होगा, चलिए तो बस जुड़ आधी ग्रुप चार पे। पांच दिन गैप हो जाता तो मैं सोचती हूँ कुछ सर दिए नहीं, सर की कहीं तबीयत तबीयत तो नहीं खराब हो गई दिमाग चलिए में अब तो जो, नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप पर ढेर सारे ग्रुप हैं, देख रही हैं पूरे यूपी का 75 जिले का बना हुआ है, सर, हाँ सर, मंडल के बने हुए हैं, इसके बाद टेलीग्राम पर भी सेम ऐसे ही है, तो यूट्यूब चैनल हमारे 3-4 हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पर करीब जो है 140-145 के आसपास व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर 110 के आसपास ग्रुप हैं, फेसबुक पर 10-12 ग्रुप हैं, सबको मैनेज करना होता है, हाँ सर ये तो सही है, हाँ तो कभी कहीं टाइम जा रहा होता है कभी कहीं, इसलिए चीजें हो नहीं पाती, इसलिए सबको कहते हैं कि अधिक से अधिक जगह जुड़े रहें, तो जहाँ जो भी दिया जा रहा होगा तो वो सब मिलता हाँ रहेगा।
ठीक ठीक है। हाँ ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।